हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं प्रताप पांडे एंड स्वागत है आप सबका पढ़ाई मेड इजी पर। और अब तक हमने पढ़ा था ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट फर्स्ट, और आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट टू, जो कि लिखा है आर के लक्ष्मण ने। और आर के लक्ष्मण के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो एक एक्चुअली में क्या थे, एक कार्टूनिस्ट भी थे, स्केच आर्टिस्ट थे, और जो है वो एक लेखक भी थे जिनकी कहानियां बहुत ही मजेदार हुआ करती थी। चलिए आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। अब तक हमने देखा था कि ईश्वरन जो है वो महेंद्र को एक कहानी सुना रहा था, और वो कौन सी कहानी थी, अपने गांव के बारे में कहानी सुना रहा था कि जहां पे एक्चुअली में बहुत सारे एलिफेंट पाए जाते हैं, और वो कहानी भी एक एलिफेंट की ही थी, जो कि एक्चुअली में बताता है कि कुछ जब एलिफेंट पागल हो जाते हैं तो कैसे बिहेव करते थे, कुछ उसके बारे में कहानी सुना रहा था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन। क्या हुआ, हमारे जो है शहर के लगभग बाहरी इलाके में पहुंचा, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाका। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो है जो दीवार वगैरह थी, जो चार दीवारी वगैरह थी, फेंसेस थी, उनको ऐसा लग रहा था कि माचिस की तीलियों की तरह उसको जो है तोड़ता हुआ वो जा रहा था। He would continue, और आगे कहता है, it came into the main road and smashed all the stalls selling fruits. और फिर वो कहता है कि वो main road तक elephant आता है, और वो क्या करता है, जितने भी stall लगे होते हैं जिन पे fruit वगैरह जो बेच रहे होते हैं, उन सबको क्या करता है, smash कर देता है, मतलब जो है crush कर देता है सबको, उलट पुलट के सबको जो है आगे बढ़ जाता है। Mud pots and clothes, यहाँ तक कि जो क्या नाम है, मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे उनके मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देता है, और कपड़े पड़े भी क्या करता है, इधर उधर उठा के फेंक देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग क्या होता है, बिना कुछ सोचे समझे कंफ्यूजन की स्थिति में, कुछ समझ में नहीं आता है किधर भागना है क्या करना है, और सब भाग रहे थे। हेल्टर हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है, इन हेस्ट और इन कंफ्यूजन, मतलब जब कोई काम जल्दबाजी में किया जाए, फिर कोई कोई चीज कंफ्यूजन में की जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम हेल्टर स्केल्टर कहेंगे। तो लोग भी क्या था उस दिन, उस मैड एलिफेंट को देख के बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब वो एलिफेंट कहाँ एंटर करता है, स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है, वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसने क्या किया, जो दीवार थी, जो ईंट की दीवार थी, ब्रिक वॉल थी, उसको उसने क्या किया, तोड़ दिया और एंटर कर गई, घुस गई स्कूल के अंदर। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लास रूम्स, जितने भी बच्चे थे सबके सब क्लास रूम में भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे को बहुत ही कस के अंदर से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, और जो बीस्ट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा जानवर, तो वो जो एलिफेंट था जो, वो कहता है कि वो बहुत ही तेज तेज ग्रंट कर रहा था। ग्रंट क्या है, एनिमल की साउंड है, जिसे एलिफेंट के साउंड को भी क्या कहते हैं, ग्रंट कहते हैं, और वो बहुत तेजी से चिंगाड़ रहा था, चिल्ला रहा था। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूम रहा था, वॉन्डर का मतलब घूमना। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फिर उसने क्या किया, जो है फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको उखाड़ दिया। टेयरिंग डाउन दी वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के नेट को भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग दी ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए ड्रम रखा था उसको उसने क्या किया, किक किया, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर पैर अपना रख के उसको एकदम फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग दी श्रब्स, और जो है जो छोटी छोटी जो झाड़ियां लगी हुई थी, जो अक्सर जो है खूबसूरत जो दिखने के लिए स्कूलों में लगाई जाती हैं, उनको क्या किया उसने, उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और तब तक जितने भी टीचर्स थे वो सब के सब क्या हो गए, स्कूल की बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और वहीं से बेचारे जो है बेसहारे, helplessly का मतलब जो है बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, बेसहारे थे, वो क्या कर रहे थे, उस एलिफेंट को देख रहे थे। डिप्रीडेशंस का मतलब एन एक्ट ऑफ अटैकिंग, मतलब वो जो है चीजों को जो अटैक कर रहा था, उस अटैक को सब लोग बहुत ध्यान से बेसहारे होके देख रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। देर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और नीचे तो कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़क एकदम खाली थी, एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, ऐसा लग रहा था कि जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले लोग, वो सब के सब अचानक से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, डिसअपीयर
हो गए हैं। आगे देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। तो ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय क्या जूनियर क्लास में मैं पढ़ रहा था, उसी स्कूल में मैं कहाँ पढ़ रहा था, जूनियर स्कूल क्लास में पढ़ रहा था। जूनियर का मतलब जो है 6 to 8 को क्या कहते हैं, जूनियर ही कहते हैं। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और जो पूरा का पूरा जो है ड्रामा मैं भी जो है स्कूल की छत पे चढ़ा हुआ था वहीं से देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, तो कहता है मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हुआ, वट केम ओवर मतलब मेरे दिमाग में क्या आया सडनली अचानक से। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने एक क्या उठाया, एक डंडा उठाया। केन का मतलब क्या हो गया, एक स्टिक, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, जो कि क्या था, एक एक टीचर्स के मतलब जो जितने भी टीचर्स वहां पे थे रूफ पे, उन्हीं में से किसी एक के हाथ में जो क्या था वो जो है केन था, और मैंने उन्हीं से उसको छीन लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और फिर उसके बाद जो है सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड इन टू द ओपन, और फिर मैं ग्राउंड में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और वो एलिफेंट क्या करता है, ग्रंट करता है, चिंघाड़ता है, बहुत कस के चिल्लाता है। एंड मिनेसिंगली, मिनेसिंगली की अगर बात करें तो मिनेसिंगली का मतलब होता है थ्रेटनिंगली, मतलब जो है बिल्कुल धमकाने की स्थिति में, डराने की स्थिति में कि आओ अभी तुम्हारा देखो क्या करते हैं। स्वंग अ ब्रांच, स्वंग मतलब उठा के फेंक देना, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की जो उसने जो ब्रांच तोड़ के रखी थी, जो कि अपनी उसने ट्रंक यानी सूड़ में अपने फंसा के रखी थी, उसने उसको उठा के क्या किया, कस के फेंक दिया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और उसने फिर अपना पैर उसको उठा के कस के जमीन पे पटका। तो स्टैम्प्ड का मतलब क्या होता है, ब्रिंक डाउन वन्स फुट हेवली ऑन दी ग्राउंड, तो क्या करती है वो एलिफेंट, वो अपना पैर उठा के जो है कस के जमीन पे पटकता है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उससे क्या हुआ, ढेर सारा कीचड़ और ढेर सारा धूल जो है ग्राउंड में उड़ा उस। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, काफी डरावना लग रहा था वो। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में क्या था, वो स्टिक जो मैंने कि एक टीचर से जो है लिया था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, और सब लोग बहुत ही ध्यान से जो है देख रहे थे। तो हिप्नोटाइज का मतलब क्या हो गया, अगर हिप्नोटाइज की बात करें, कैप्चर द होल अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी का पूरा अटेंशन अगर कैप्चर कर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, हिप्नोटाइज कहेंगे। तो सब के सब लोग क्या हुआ, एकदम हिप्नोटाइज होके मुझको ही देख रहे थे फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, यहाँ तक कि जो आसपास पड़ोस के जो घर थे, घर की छतों पे भी जो लोग थे, वो लोग भी बहुत ही ध्यान से मुझे ही देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और फिर वो एलिफेंट क्या करता है, मुझ पे देखता है बहुत ही लाल लाल आंखों से, एकदम घूर के देखता है, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ एकदम दौड़ने के लिए तैयार होता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपना सूर उठाता है, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और कस के चिल्लाता है, और फिर उसके बाद जो है ट्रम्पेटेड का मतलब मेड अ लाउड साउंड, क्या करता है, बहुत ही कस के चिल्लाता है। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड, और फिर उसी समय मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा। आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग, मस्टरिंग का मतलब होगा कलेक्टिंग, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करते हुए, ऑल माई फोर्स मतलब मेरे शरीर में जितनी एनर्जी थी सबको इकट्ठा करते हुए। वैग्ड, वैग्ड का मतलब क्या हो गया, स्ट्राइक फोर्सफुली मतलब उसके ऊपर क्या किया, बहुत ही कस के अटैक किया। आगे देखते हैं। इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, तो उसने जो है ईश्वरन कहता है मैंने कहां पे अटैक किया था, उसके तीसरे अंगूठे के नाखून पे मैंने क्या किया था, अटैक किया था। उसके पैर का जो था, उसका जो है तीसरा टोनेल था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, अटैक किया। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न्ड फॉर अ मोमेंट, और वो जो बड़ा सा जानवर था वो क्या हुआ, स्टर्न्ड दिख रहा था, मतलब थोड़ी देर के लिए, स्टर्न्ड की बात करें सेमी कॉन्शियस, मतलब ऐसा लग रहा था एकदम बेहोशी की हालत में जो है धीरे धीरे जा रहा था। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर उसके बाद जो है ऊपर सर से लेके पैर तक क्या करता है, कांपता है, शिवर करता है। शिवर का मतलब क्या हो गया, कांपना। एंड कोलैप्स्ड, और फिर उसके बाद क्या होता है, गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और फिर इस समय क्या करता है, ईश्वरन स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देता, मतलब आगे नहीं बताता है कि आगे क्या हुआ। ये क्यूरियोसिटी भरने के बाद वो क्या करता है, कहानी को सुनाना बंद कर देता है। एंड
एंड गेट अप मम्बलिंग, तो मन में कुछ जो है बुदबुदाते हुए कुछ कहते हुए उठ जाता है, मतलब वो जो है कहानी को आधे बीच में ही छोड़ के क्या करता है, कुछ अपने मन में ही कुछ कहते हुए उठ जाता है और चला जाता है। तो इस तरीके से जो सुनने वाला था उसको तो लगता है अरे कहानी अधूरी रह गई, मतलब उसको बेचारा और भी सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता है। तो मम्बलिंग का मतलब होता है टॉक टू वन सेल्फ, मतलब अपने आप से ही कुछ कहते हुए वहां से उठ के चला जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। तो उसे कहता है, महेंद्र से कहता है, कहता है मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, गैस को जला के जो है डिनर को थोड़ा गर्म करके फिर उसके बाद जो है वापस आ जाऊंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि उसकी कहानी को बहुत ही अटेंशन मतलब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। रैप्ट का मतलब था एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड मतलब एकदम खो गया हो कोई किसी चीज में, तो उसे क्या कहेंगे रैप्ट। तो एकदम इतने ध्यान से सुन रहा था, ऐसा लग रहा था उसी कहानी में वो खो गया है, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब बेचारा जो है एकदम आधे अधूरे में जो है छूट जाता है और उसको जो है लगता है अब क्या यार आगे की कहानी कब सुनाएगा कब पूरी करेगा। वेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन फिर से वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और ईश्वरन कहानी को एकदम जो है तुरंत फिर से वहीं से शुरू नहीं करता है। अब ये बात जो है महेंद्र के लिए काफी जो है टेंशन वाली होती है कि अभी आगे कहानी कब सुनाएगा आगे क्या होता है, फिर वो बार बार इसी चीज के बारे में सोचता रहता है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, तो महेंद्र अक्सर जो है उसको फिर उसके बाद क्या करना पड़ता था, उसको याद दिलाना पड़ता था ईश्वरन को कि कहानी का जो कंक्लूजन है यानी जो एंडिंग पार्ट है वो अभी भी बाकी है पेंडिंग है। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, तो उसके बाद वो कहता खैर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या, एक जो है वेटरिनरी यानी एनिमल्स के डॉक्टर को जो है बुलाया गया और फिर उसके बाद जो है रिवाइव मतलब जो है उसकी बेहोशी की हालत से उसको बाहर निकालने के लिए ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली, तो अक्सर जो है मतलब फिर उसके बाद जो है क्या करता था कहानी को ऐसे ही कैजुअली जो है कहता बस और कुछ नहीं हुआ। श्रक का मतलब होता है एक्चुअली में जब हम किसी चीज को कहते हुए अपना जो है दोनों कंधे को थोड़ा सा उचकाते हैं तो हम मतलब हाँ या ना कहने में नहीं ऐसे ठीक है ऐसा, तो उस परिस्थिति में क्या होता है उसे श्रक कहते हैं, यानी दोनों कंधे को उचका के कुछ अपनी जो है किसी चीज के साथ अपनी सहमति जताना या फिर असहमति जताना, दोनों में ही परिस्थितियों में इसका इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, तो कहता खैर एक्चुअली में मैं सही बताऊं तो ये क्या है एक्चुअली में एक जापानीज आर्ट है, मतलब जैसे कराटे होता है कुंग फू होता है उसी तरीके से एक जापानीज मार्शल आर्ट है, जिसमें क्या होता है क्या नाम है आप अगर किसी के जो है इस तरीके से किसी के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। आई थिंक सर, तो एक्चुअली कहता है मुझे लगता है वो ये उसी से मैंने जो है थोड़ा बहुत सीखा था, कराटे और जू जित्सु इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, तो कहता है इसका नाम एक्चुअली में कराटे या फिर जू जित्सु भी है, इसका नाम क्या है जू जित्सु, मैंने जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया उसको एलिफेंट को गिराने के लिए उस ट्रिक का क्या नाम था जू जित्सु, या फिर उस मार्शल आर्ट का नाम क्या था जू जित्सु। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, इट टेम्पोरली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, तो कह रहा है एक्चुअली में क्या था कि मैंने पढ़ा था कि ऐसा करने से क्या होता है किसी का भी नर्वस सिस्टम टेम्पोरली मतलब थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है पैरालाइज होता है, मतलब एकदम काम करना बंद हो जाता है। तो जू जित्सु के आप देख सकते हैं, जू जित्सु क्या है एक जापानीज फॉर्म ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब बिना हथियार के किसी के ऊपर अटैक करने की एक कला है जू जित्सु। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, और फिर एक भी दिन कभी ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन को कोई कहानी रिकाउंटिंग मतलब याद ना आ जाए, पैक्ड विद एडवेंचर्स मतलब ढेर सारा जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर एंड सस्पेंस, उसमें हॉरर भी हो सस्पेंस भी हो, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, हालांकि कहानी भरोसे के लायक हो मतलब बिलीव करने के लायक हो या नहीं, लेकिन वो कहानी जरूर सुनाता था। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, और महेंद्र उसकी कहानियों को सुनना बहुत ही पसंद करता था, क्यों, क्योंकि
क्योंकि वो जिस तरीके से कहता था वो काफी इनइमिटेबल था, मतलब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था, मतलब वैसा कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता था जिस तरीके से वो कहानियां सुनाया करता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, और मतलब ईश्वरन तो उसके लिए एकदम क्या था, एक तरीके से ऐसा था कि उसके घर में जो टीवी नहीं था उस टीवी का पूरा पूरा काम करता था, मतलब वो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट का उसका काम करता था इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर, जहां पे महेंद्रा रहता था। चूंकि टीवी वहां पे था नहीं, तो टीवी की पूरी जगह कौन लेके रखा था, ईश्वरन ने लेके रखा था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह जब महेंद्र क्या कर रहा था, सुबह का नाश्ता कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन से पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट, क्या मैं आज जो है रात को क्या करूं, कुछ स्पेशल बना लूं सर, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज क्या है, एक ऑस्पिशियस डे मतलब एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, और जो अगर हम बात करें हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से अगर बात करें, तो आज के दिन हम क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की डेलिकेसी बनाते हैं, मतलब घरों में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। टू फीड मतलब खिलाने के लिए, किसको खिलाने के लिए, स्पिरिट्स यानी आत्माओं को, अफर एंसेस्टर्स यानी किसकी आत्माएं, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए आज हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं। तो आज वो दिन है, क्या मैं अच्छा सा कुछ बना लू, महेंद्र कहता है इच्छो के जो भी आपको बनाना हो बना सकते हैं। आगे देखते हैं, दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, और उस रात को जो है महेंद्र क्या करता है, बहुत ही अब तक का उसने सबसे डिलीशियस जो है डिनर किया, एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी स्किल्स, और फिर उसके बाद जो उसने क्या किया जो है मतलब खाने बनाने की कला में, कलिनरी स्किल मतलब जो है किचन की कला, तो उसकी कला में उसने जो है क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया, उसको जो है बधाई भी दी कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। ही सीम्ड वेरी प्लेस्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, हालांकि जो है उस दिन बहुत ही खुश दिख रहा था ईश्वरन, तो लेकिन बिना किसी मतलब ऐसी कोई आशा नहीं थी कि वो आज ऐसी कहानी सुनाएगा, लेकिन आज वो एक कहानी ऐसी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, गैरिस अकाउंट, गैरिस मतलब वायलेंट, मतलब जिसमें क्या हो जो है काफी जो है वायलेंस वाली बातें हो, कुछ जो है डरावनी बातें हो, है ना, तो वो क्या करता है एक गैरिस अकाउंट मतलब एक बहुत ही वायलेंट टाइप की कहानी जो उसको सुनाना शुरू करता है, जिसमें क्या होते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, यानी भूत प्रेत ये सब चीजें होती हैं, मतलब एक हॉन्टेड कहानी उसको कुल मिला के उसको भूतिया कहानी उसको जो है सुनाना शुरू कर देता था, जिसकी उसने कोई आशा ही नहीं किया था, मतलब उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी कहानी आज सुनने को मिलेगी। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बेरियल ग्राउंड, तो एक्चुअली में कहता खैर आपको पता है सर ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री का जो एरिया है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये एक्चुअली में पहले क्या था, पहले जमाने में बेरियल ग्राउंड था। बेरियल ग्राउंड का मतलब जो है जहां पे लोगों को मरने के बाद दफनाया वगैरह जाता हो, जलाया जाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, बेरियल ग्राउंड कहेंगे। ही स्टार्टेड और वो फिर आगे कहानी शुरू करता है, महेंद्र वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अच्छा महेंद्र अब तक क्या था, चूंकि उसने बहुत ही अच्छा खाना खाया था तो एकदम जो है खो गया था, तो यहाँ पे अगर हम कुछ वर्ड्स की बात करें इसमें काफी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जग्ड आउट ऑफ मतलब पुल आउट ऑफ समथिंग सडनली, मतलब वो किसी सोच में खोया हुआ था तो अचानक से उससे वो जो है बाहर आता है। अरे फिर रिवरी का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली लॉस्ट इन वन थॉट्स, मतलब अपने एकदम पूरे सोच में खोया हुआ था, तो उस क्या हुआ जब वो कहानी ये कहानी शुरू करता है कहानी सुनाना, तो अचानक से उस समय क्या होता है महेंद्र एकदम किसी थॉट में एकदम खोया हुआ होता है, अपने जो है पूरा किसी ख्यालात में खोया होता है, जो कि बहुत ही प्लेजेंट होता है, मतलब काफी अच्छे जो है अच्छी यादें होती है जिसमें खोया होता है, जिसमें वो क्या होता है धीरे से ड्रिफ्ट कर गया था, मतलब मूव कर गया था, किसके बाद आफ्टर सेटिस्फाइंग मील, मतलब एक अच्छा सा खाने के बाद क्या हुआ एकदम सुनहरी याद में वो खो गया था, और जब उसने कहानी सुनाई तो अचानक से क्या करता है जग्ड आउट, मतलब उसे सडनली उसे क्या करता है बाहर निकलता है। अरे आई नो On the first day itself when I saw a human skull lying, तो फिर उसके बाद आगे ईश्वरन शुरू करता है, कहता है, मुझे तो पहले दिन ही लग गया था जबकि मैंने देखा था क्या एक जो है इंसान की खोपड़ी वहां पे पड़ी हुई थी, ऑन द पाथ यानी रास्ते पे, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, यहाँ तक कि अब भी जो है मुझे कई बार बहुत सारी खोपड़ियां और बहुत सारी हड्डियां जो है इंसानों की दिखाई पड़ती है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन आगे कहना शुरू करता है, आगे देखते हैं। Thank you everyone. Thank you for watching Padhai Made Easy. And now I'm coming up with the next part, that is Ishwaran the Storyteller part 3.
So if you have not subscribed to this channel, please subscribe it so that whatever the videos I am uploading, you can get the updates of it. And thank you once again.